हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना। स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस लॉकडाउन के अंदर दिल्ली के स्पेशल जो कुलचे और छोले हैं, वो सबको बहुत याद आ रहे होंगे, तो आज हम वही बनाएंगे। तो बिना किसी देर को किए हुए अब हम इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसके कुलचे बनाने के लिए जो आटा लगाकर तैयार करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा लिया है। इसे मैंने छान कर एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और आधा चम्मच जो है चीनी लेंगे, क्योंकि हम इसे बिना यीस्ट के बना रहे हैं। और इसके साथ ही एक चम्मच हम बेकिंग छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे, और आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। और इसके अलावा अब हम इसके अंदर 3 बड़े चम्मच दही को डाल देंगे, क्योंकि दही से ये एक्टिव होगा। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल के डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसे फर्मेंट होने के लिए आधे घंटे के लिए ढककर रख। फ्रेंड्स, अब हम जो मटर के छोले हैं, जिन्हें व्हाइट जो मटर भी कहते हैं, ये देखिए इस तरह के होते हैं, ये हम लेंगे। ये मैंने एक कप लिया है। इसे मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, और ये फूल चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। अब हमने मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब एक मैंने कुकर लिया है, उसके अंदर मैं ये सारे मटर हैं उन्हें डाल दूंगी। अब इसके अंदर हम 1.5 कप जो है हम पानी के डाल देंगे, और इसके साथ ही अब इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल देंगे हम, और आधी छोटी चम्मच जो हम हल्दी पाउडर को भी डाल देंगे, और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। कि फ्रेंड्स, हमारा आटा जो है अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें हवा आ चुकी है बिल्कुल। अब हम इसके कुलचे बनाने सबसे पहले शुरू करेंगे, जब तक हमारे छोले जो है वो बॉईल हो रहे हैं। अब हमने इसकी एक लोई बना ली है, और अब हम इसे एक रोलिंग बोर्ड के ऊपर बेलेंगे। अब हमने इसे गोल या लंबा जैसा भी चाहे हम बेल सकते हैं। अब हम इस पे थोड़ा सा जो है पानी लगा देंगे, और ये मैंने थोड़ी सी कलौंजी ली है, उसे भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसे लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, वैसे जो हम मार्केट से लेते हैं उसमें ये लगी होती है, तो इसलिए हम इसे लगा देंगे। और इसके बाद अगर आप चाहें तो हरा धनिया भी ऑप्शनल है, और उसे भी लगा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ नहीं लगा रही हूँ। अब मैं इसे जो है इस कुलचे के पीछे थोड़ा सा पानी स्प्रेड कर दूंगी, और इसे हम इस पैन में लगा देंगे। और अब हम इसके साइड में, इसके ऊपर नहीं बल्कि साइड में, थोड़े थोड़े जो पानी के छींटे डाल देंगे, और इसे ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 30 या 40 सेकंड्स के बाद इसमें कितने अच्छे बबल्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह फूल चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका नीचे से कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट के जैसे। अब फिर वापस वही प्रोसेस, किसके साइड में हम थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देंगे, और फिर से इसे ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना बढ़िया कुलचा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी के कुलचे भी रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कुलचे सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने छोले की तरफ जाते हैं, मटर की तरफ। ये देखिए, हमारे मटर भी
बिल्कुल अच्छी तरह से मैश होकर बन चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो आलू है दो उबले हुए इसे डाल देंगे। अब हम इसके अंदर जो मैंने रफली चॉप किए हुए है एक टमाटर लिया है उसे भी डाल देंगे। प्याज, ये मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं उसे भी डाल देंगे। दो हरी मिर्च लिए हैं उसे भी डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़े चटपटा सा ही होता है। थोड़ा थोड़ा प्याज और टमाटर हमने बचा लिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। वैसे मैं यहाँ पर एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च का। और सबसे मेन जो जरूरी इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर 1 से 1.5 छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके अलावा थोड़ा सा ही हम नमक डालेंगे, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाल दिया था। हम इसके अंदर अमचूर पाउडर को डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसके अंदर हम 2 चम्मच जो है नींबू का रस भी डाल देंगे, ताकि ये थोड़ा खट्टा सा इसके अंदर टेस्ट आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो कुलचे हैं और जो हमारी जो छोले वाली चाट है ये भी तैयार हो चुकी है। मटर के छोले और कुलचे दिल्ली के, बिल्कुल। अब आप इसे देख के ही देखिए मुंह में पानी आ रहा है। इस लॉकडाउन के अंदर आप इसे बनाइए और खाइए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।